पिकनिक पे जाऊंगी, घूम फिरूंगी और कपड़े। हैप्पी न्यू ईयर। जोर से जोर। ये देखिए ये क्या हो रहा है। न्यू ईयर गाइस, कैसे हैं आप लोग? और 2022 की आखिरी रात बस कुछ ही देर रह गई है, 2 से 2.5 घंटे का वक्त रह गया है 2022 खत्म होने में, और 2023 को वेलकम करने के लिए हम लोग आए हैं पीपल स्क्वायर और धूम मचाने वाले हैं। कॉन्सर्ट हो रहा है उसका भी आपको शॉट दिखाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। आज यहाँ पे मजेदार शॉट लेंगे आप लोगों के साथ, तो आप लोग हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार। मिलते हैं फिर, चले शुरू करते हैं। और अभी हमारे साथ हैं हमारी दो फैमिली मेंबर। कैसी हैं आप दोनों? ये बताइए कि न्यू ईयर को किस तरह से वेलकम करने वाली हैं? भाई न्यू ईयर को कैसे वेलकम करना है? हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हैप्पी न्यू ईयर, आप सबका आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरे। आमीन। तमाम दुख परेशानियां तकलीफें आप सबकी दूर हो। आमीन। आने वाला साल आप लोगों के लिए खुशियों से भरपूर। आमीन। देखिए पहले बात करूंगा जो हमारा साल गया है उसकी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, अच्छा साल नहीं गया हमारा। मसले मसाइल बहुत है, महंगाई बढ़ी बिल्कुल, और स्नैचिंग बहुत हुई, लोगों के कत्लो आम हुआ बिल्कुल, हुकूमतें गिरी। कोई मैं पीटीआई की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बात कर हुकूमतें गिरी, नुकसान हमें अपना हमारी पाकिस्तानी आवाम को हुआ बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि नया साल 2023 का जो आपका आ रहा है, तो ये हमारी ये दुआ है कि वतन अजीज के लिए कि खुशियों भरा हो, अमन सुकून वाला हो, अच्छी हुकूमत आए, अच्छे लोग आए, अच्छे हुक्मरान आए, अच्छे लोग मोहब्बत बांटे। आमीन आमीन आमीन। बिलाल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, अब जो साल गुजरा है तो बहुत प्रॉब्लम्स थी इसमें, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो है इंशाल्लाह अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी आने वाले दिनों में, आने वाले साल में, और अच्छी प्लानिंग के साथ शुरुआत करेंगे इसकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू बिलाल भाई। बताइए कि नया साल कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं आप? मैं पिकनिक पे जाऊंगी, घूम फिरूंगी और कपड़े पहनूंगी। ठीक है, घूम फिरूंगी। तो आज यहाँ पे वेलकम करने के लिए आई है नए साल को? जी। अच्छा, किस तरह करेंगी अभी वेलकम? अभी वेलकम मैं खाना खा के नहीं। बेटा कैसी हैं आप, क्या नाम है? मरियम। मरियम यहाँ पे पीपल स्क्वायर में क्या करने आई है? वो मजे करने आए नए साल का। मजे करने आए नए साल को, वेलकम करने आए? जी। पीपल स्क्वायर में न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं? हम अभी यहाँ आए वो कॉन्सर्ट देखने भी आए, थोड़ा घूमने आए, फिर खाना वगैरह खाएंगे और ऐसे ही अभी देखेंगे थोड़ा देर, और क्या बोलूं। चलें गुड हो गया, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मैं यहाँ पीपल स्क्वायर में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि 2022 के लास्ट डेज चल रहे हैं, तो हमें अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स लगे हुए हैं, यहाँ का खाना भी बहुत मजे का है, आप सब लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्या बोलोगी? सही नहीं बोलेगी, बोलो नया साल मुबारक हो, न्यू हैप्पी न्यू ईयर, बोलो बोलो ज़ोर से बोलो, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इसको मुंह में नहीं डालना है, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, जोर से जोर से बोलो, आप बोलो जोर से, हेलो हेलो, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। इधर देख के बोलिए, सामने देख के बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? समीना बाजी ये क्या है क्या अंदर इसके? ये स्मोक सोडा होता है, इनके पास जो है ना दो फ्लेवर में मौजूद है, एक बॉल में है और एक लिक्विड में। ये अच्छा, है पाइन एप्पल। ऐसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? क्या करें, ऐसे ऐसे गाने सुन के ऐसे सेलिब्रेट करने पड़ेगा, इससे मैं खुद गा लूं जाके। ओ, एक गाना हो जाए। यहाँ पे आप लोग
देखें कि कितनी फैमिलीज आई हुई हैं जो कि इंजॉय कर रही हैं पीपल स्क्वायर पे और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं 12 बजने का कि कब 12 बजेंगे और कब हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। तो 2023 को वेलकम करने के लिए हम लोग सारे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो है इंजॉय कर रहे हैं। हमारी यूट्यूब प्रिज्मा फैमिली भी आगे इंजॉय कर रही है, तो आप लोग भी इंजॉय करें और 2023 को वेलकम करें। आप किस तरह से वेलकम कर रहे हो शायद 2023 को? तो अभी तो फिलहाल बहुत मज़े से कर रहे हैं, पीपल स्क्वायर आए हैं, यहाँ पे सामने सिंगिंग चल रही है और अभी फायर वर्क भी होने वाले हैं, तो हमें तो बहुत इंतज़ार है अभी कि जल्दी से 12 बजे। जबरदस्त जी तमाम व्यूअर्स को आज हम खुशामदीद कहते हैं और न्यू ईयर में हम शाम अब से कुछ देर के बाद जो है वो नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं और पिस्मा की पूरी टीम यहाँ पीपल्स स्क्वायर पे मौजूद है और आज के इस सेलिब्रेशन को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को यहाँ पर हम सब विटनेस कर रहे हैं। मेरे साथ बाबर भाई मौजूद हैं, बाबर डार को आप जानते हैं, सदर हैं पिस्मा के, और ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो आप देखते हैं इसके पीछे बाबर भाई और दीगर दोस्तों का बहुत अहम किरदार होता है। बाबर भाई किस तरीके से न्यू ईयर नाइट मना रहे हैं? भाई पहले तो आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे, जैन भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए टाइम निकाल के, चांद भाई आपका बहुत शुक्रिया, तनवीर भाई को हम मिस कर रहे हैं आज यहाँ पे, तनवीर भाई नहीं आए आज यहाँ पे। बाकी है कि सबके लिए भाई बहुत ज़्यादा दुआएं कि अल्लाह ताला आप सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और आज यहाँ पे हम लोग पीपल स्क्वायर पे सारे जमा हैं, अल्लाह ताला आप सबको जो है तरक्की दे और आप लोग जब अगले साल यहाँ पर आएँ तो आप सब जो हैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर एक सेलिब्रिटी बन के यहाँ पर आएँ और आप लोगों के अपने फॉलोअर भी इतने हो जाएँ कि हमारे पिस्मा का नाम भी दुनिया में जो है रोशन हो जाए, जिसको लेके हम लोग मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जैन भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त हमारे कॉल पे जो है हर जगह पे आ जाते हैं और आप सबके लिए बहुत भाई मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और नया साल आप सबको मुबारक हो। बाकी ओवर टू यू जैन भाई। शान भाई मौजूद हैं और बेहतर नहीं है शान भाई की मौजूदगी में किसी किस्म की मजीद गुफ्तगू करना। तो शान भाई आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको और पिस्मा की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है? और जैसा कि आपने बताया जैन भाई कि कुछ देर बाद हम जो है ना साल 2023 में दाखिल हो जाएंगे और 2022 जो है साल हमारा जो गुजरा है खुदा ने बड़ा करम किया था, पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन का क़याम साल 2022 में हुआ, आप अच्छे दोस्तों से मुलाकात हुई, फिर ये दोस्ती भाई बंदी में बदली, फिर आज जो है पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन सालन जो नया साल है 2023 का उसका जश्न मना रही है पीपल्स स्क्वायर में और हमारी तमाम यूट्यूबर्स की टीम हमारी कमेटी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सब माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको देखने के लिए जिनके पुरसितार यहाँ पर आ जाएं, जिस पर पीपल्स स्क्वायर में चार चांद लग गए और लोगों का रश इतना नहीं होता था जितना आप लोगों की वजह से, आप लोगों के चाहने वालों की वजह से आज इतना यहाँ पर रश है। तो मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आप तमाम देखने वालों के लिए कि अल्लाह पाक पिछले साल की तरह जो 2022 गुजर रहा है इस साल 2023 में भी आप लोगों की किस्मत को जो है वो चार चांद लगाए, मेरी दुआ है कि ये साल आप लोगों के लिए इंतहाई खुशकिस्मत साबित हो। हैप्पी न्यू ईयर अगेन जैन भाई, आपको भी बहुत खुश। ये तमाम तरह सूरत हाल है और हम सब इंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नया साल पिस्मा के लिए भी जो है वो ढेर सारी तरक्कियों के साथ आए, खुशियों के साथ आए और अब से कुछ देर के बाद यहाँ शानदार फायरवर्क्स भी होंगे, उसे भी इंजॉय करेंगे और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन सबका शुक्रिया जो अपनी मोहब्बतों में पिस्मा को याद रखते हैं और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अपनी ख़ास दुआओं में पिस्मा को हमेशा याद रखें ताकि आने वाले दिनों में हम और अच्छे अच्छे मुकामात पर अच्छी अच्छी जगहों से आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाते रहें।
और ये देखिए कि आवाम यहाँ पे नया साल मनाने के लिए किस तरह से हुजूम की शक्ल में आई हुई है। माशाल्लाह ये है पिज्मा पीपल स्क्वायर पे। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू न्यू ईयर गुड हो गया। अच्छा जी बेटा बहुत बहुत मुबारक हो नया साल आपको। क्या बोलना चाहेंगी पाकिस्तान को? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हैप्पी न्यू ईयर। जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान की तरफ। हैप्पी न्यू ईयर। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जारी जारी जिंदाबाद। भूटान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर। और अनाया को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू। थैंक यू। जिंदाबाद। बोलो आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। वी आर पाकिस्तानी। नो से वी आर पाकिस्तानी। गिव हग टू आहिल से। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाद यहां पे पब्लिक जो है वो एंजॉय कर रही है। फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और खूब सेल्फीज ले रहे हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं नए साल की। 2, 3 हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली हम लोग 2023 में एंटर हो गए और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये नया साल। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला 2023 ये साल जो है हम सब के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, पाकिस्तान की तरक्कियां लेकर आए और जो मुश्किल वक्त हमने गुजारा है 2022 में उससे हमारा छुटकारा फिर मिले। और बस यही कहूंगा कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। ज़िंदगी रही और सांसों ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।